मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने वेंकट भवन के सामने नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। इस सभा के दौरान कई कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों बीजेपी की सदस्यता ली, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रीवा में कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले पूर्व शहर अध्यक्ष डॉक्टर मुजीब खान भी शामिल हैं। ये हमारे भावनाओं का, हिंदुओं के सम्मान का, कांग्रेस को अपमान करने का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने बार बार हिंदुओं की भावनाओं का कुठाराघात किया, बार बार उनको अपमानित किया। हमने निमंत्रण दिया, हमको मालूम राम मंदिर में अड़ंगे किसी ने लगाया तो एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके राष्ट्रीय महामंत्री कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी, बड़े बड़े पदाधिकारी ये बेशर्म होकर के सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के मंदिर का फैसला नहीं करने के लिए बार बार अड़ंगे लगाते रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इनने जितना करना था वो सब कर लिया। लेकिन सौभाग्य की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो जब फैसला दिया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।